दिन का स्पेशल प्रोग्राम अपने हिंदी भाषियों के लिए, ज्ञान का पुरुषार्थ जोरदार करेंगे और ज्ञान की बात ऐसी समझ के जाना है, शुद्धापन की जागृति रहे, शुद्धात्मा का पुरुषार्थ, पांच आज्ञा का पुरुषार्थ निरंतर कर सके हम। आज का यही सब्जेक्ट रखा गया है, पांच आज्ञा से ज्ञान का पुरुषार्थ। इस शुद्धात्मा पद प्राप्त होने के लिए सारे जीवन कितनी साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, त्याग करते हैं, क्रमिक मार्ग बोला जाता है, तप करो, त्याग करो, ध्यान करो, भक्ति करो, इतना सारी जिंदगी बस आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा का सुख अनुभव करना है, संसार से मुक्ति पानी है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, मगर अनुभूति का अंश भी नहीं मिल, थोड़ी शांति लगती है कि बस अभी थोड़ा प्रकाश हो गया, आनंद हो गया, मगर जब प्रॉब्लम आ जाते हैं, वापस अपमान आ गया, कोई नुकसान आ गया, मृत्यु आ गया, घर में एक्सीडेंट हो गया, अरे हस्बैंड वाइफ में भी मतभेद हो जाते हैं, कभी टेंशन हो जाता है, तो लगता है मेरी साधना में कुछ कमी है। ये तो कभी कभार ऐसा अक्रम मार्ग खुला होता है, तप नहीं, त्याग नहीं, ध्यान नहीं, क्रियाकांड कुछ नहीं, कृपा से ही आत्म साक्षात्कार पा लेना। तो मैं 2 ही घंटे में शुद्धात्मा का पद प्राप्त हो जाता है, सारी जिंदगी अनंत अवतार जो नहीं प्राप्त हो सकता, 2 ही घंटे में कृपा से ही हो जाता है। जागृति का रक्षण के लिए 5 आज्ञा दादाजी ने बताई, और 5 आज्ञा भी ऐसी है, तमाम शास्त्रों का सार है, निचोड़ दिया गया, सब शास्त्र के अर्क समान हमें आज्ञा प्राप्त हो जाती है, और ऐसी आज्ञा है जो शुद्धात्मा पद हमें प्राप्त हुआ और शुद्धात्मा पद में रह सके, प्रकृति कर्मों के उदय से हम मुक्त रह सके। आज्ञा और जब भी क्रमिक मार्ग में भी भले तप करे, त्याग करे, ध्यान करे, मगर कोई गुरु के अधीन रहना पड़ता है, गुरु भी खुद आगे बढ़ते हैं और शिष्य को भी ऊपर लेके जाते हैं, पर गुरु की आज्ञा छोटी मोटी कुछ न कुछ, गुरु की आज्ञा पालन तो करनी ही पड़ती है, और गुरु 60 डिग्री पर है तो हमें 60 डिग्री तक पहुंचाएगा, वापस 70 डिग्री तक पहुंचा तो हमें वहां तक पहुंचाएगा, जितनी हाइट पर गुरु जाते हैं वहां तक पहुंचा सकता है। ज्ञानी है तो 100% शुद्ध दशा में आ गए, मूल आत्मा के अनुभव लक्ष्य प्रतीति उससे भी निरंतर आत्मवर्तना में आए, अनुभूति से ऊपर चारित्र में, ऐसे ज्ञानी पुरुष तो जब उनकी कृपा से हमें जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अभी एक ही पुरुषार्थ बाकी रहता है, आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, वो जो बताए 5 आज्ञा उसी को ही फॉलो करना, वो अंतिम पुरुषार्थ है। उसका फल क्या आएगा तो क्या आत्मा आत्मधर्म में निरंतर आ जाएगा, ज्ञाता दृष्टा उसका फल वो आता है। दादाजी बोलते हैं कि आपके लिए मेरी आज्ञा पालन करना वो पुरुषार्थ है, और बिना आज्ञा से मुझे अनुभव दशा में रहता हूँ मैं, मुझे आज्ञा के बिना वही आत्मदशा, मगर वो भी मेरा पुरुषार्थ भाग है, प्रकृति को संभाव से निकाल करके आत्मभाव में निरंतर रहना वो उनका पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रकृति संसार व्यवहार में
खींचेगी, क्योंकि अज्ञानता से बांधी हुई प्रकृति है, क्रोध मान माया लोभ अहंकार ममता से, और फल आएगा। और निश्चय जिसका है कि नहीं, पांच आज्ञा में रहना है, शुद्धात्मा में रह के प्रकृति का संभाव से निकाल करते हैं, ऐसे धीरे 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 डिस्चार्ज कर्म पूरे होते जाते हैं और आत्मा के अनुभव के अंश बढ़ते जाते हैं। मुख्य इसी के ऊपर ही ध्यान देना है कि कैसे पांच आज्ञा सिद्ध करें, और पांच आज्ञा सिद्ध करने के लिए समझना है पहले भी आज्ञा क्या बताना चाहती है। पहले शब्द रिलेटिव देखो, रियल देखो, रिलेटिव साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अधीन है, संभाव से निकाल करना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, दीपक शुदा है, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेते जाना है। और जहाँ भी पांच आज्ञा भूल चुक हो गई, वहाँ भोगवट आएगा, कुछ अजागृति रहेगी, कोई दोषी दिखेगा, किसी के दुख हो जाए, ऐसा व्यवहार हो जाएगा, कोई भी कषाय डिस्चार्ज कषाय के वाला व्यवहार आ गया, उस टाइम पे पांच आज्ञा पालन करने में रह जाएगा। उसी टाइम वापस उसको सुधारना है। उस टाइम पे नहीं सुधरेगा तो दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, आधा घंटा घंटा के बाद जागृति आएगी, हाँ इधर कुछ आज्ञा भूल चुक हो गई, वापस रिसेट करो। एंड मुख्य चीज़ है पहले आज्ञा पालन करने का निश्चय, मुझे पांच आज्ञा में रहना है, स्ट्रांग निश्चय। दूसरा स्टेप है किस तरह आज्ञा में रहा जाएगा, सभी को शुद्धात्मा स्वरूप से देखो, फाइल स्वरूप से देखो, रिलेटिव में फाइल है, रियल में शुद्धात्मा, रिलेटिव जो भी होगा व्यवस्थित के अधीन होगा, संभाव रखना, मुझे संभाव से निकाल करना एक एक फाइल का, वो जागृति में रहना है, जुदापन की जागृति भी रखनी है, फाइल वन जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा किस तरह पांच आज्ञा में रह सके उसका निश्चय करना है और समझ समझ करना है। समझ हमें सत्संग द्वारा मिलेगी, प्रत्यक्ष सत्संग में भी मिलती है बहुत सारी समझ, और दादा जी की वाणी ज्ञान वाणी में अलग अलग प्रकार से जागृति के लिए अद्भुत समझ प्राप्त होती है। तो ये समझ समझ करना है कि आज्ञा में कैसे मैं निरंतर रह सकूं। कोई चिकनी फाइल है, दखल होते ही रहती है, भोगवटा देते ही रहती है, उसके दोष दिखाई देते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा पुरुषार्थ करना है। दूर वाली फाइलें धीरे धीरे छूटती जाएगी, मगर नज़दीक वाली फाइल ज़्यादा प्रॉब्लम वाली रहती है, तो उसके ऊपर निर्दोष दृष्टि रखनी है, रियल में शुद्धात्मा ही देखना है। कोई फिर भी कुछ दखल हो गई तो प्रतिक्रमण करेंगे, करते करते पुरुषार्थ बढ़ाना है। जुदापन की जागृति भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना मैं शुद्धात्मा में रहूं, मन वचन काया को जुदा देखूं, तो ही खुद की प्रकृति के दोष दिखाई देंगे। कोई भी दखल हुई, टकराव हो गया, तो भीतर में बुद्धि अहंकार भगवाटा में आएगा, दोषित कोई दिखेगा, क्रोध मान मतलब खड़े हो जाएंगे। तो इसी को ही सॉल्व करना है। फाइल वन क्या ही कचरा, क्रोध मान माया लोभ सॉल्व करते गए, आवरण कम होते जाएंगे, शक्ति बढ़ते जाएगी। इसे धीरे धीरे पुरुषार्थ आज्ञा में रह के बढ़ाना है। आज्ञा का फल दादाजी बताते थे 70% पांच आज्ञा में रहेंगे तो एकावतारी पद तक पहुंच सकता है। इस एक यहाँ से एक अवतार महाविद्य क्षेत्र, वहाँ से मोक्ष गति, इतना आज्ञा में बल है। हमारे तरफ से जागृति ये रखनी कैसे पांच आज्ञा में सिद्ध कर सकूं, और वो ध्येय
हो जाना चाहिए। निरंतर ध्यान में रहे, कहाँ भूलचुक हो गई, कैसे रीसेट करें, और धीरे धीरे एग्जैक्टनेस तक जाना है। हम शुद्धात्मा तो देखते हैं, मगर शब्द से धीरे धीरे शब्दार्थ में जाए, धीरे धीरे भावार्थ में, परमार्थ तक पहुँचे। जैसा है वैसा आत्मा रूप, जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, दीपक का मैं ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, ऐसे सामने वाले को भी मैं देख सकता हूँ। वो शुद्धात्मा है, चंदू क्या करता उसका ज्ञाता दृष्टा, खुद अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, केवल ज्ञान स्वरूप है। जितना तत्व स्वरूप शुद्धात्मा हम देखते जाएंगे, उतनी ज्ञान की शक्ति बढ़ते जाएंगी। एक दिन में नहीं होगा, मगर यही पुरुषार्थ वहाँ तक पहुँचना है। व्यवस्थित शब्द हम बोल देते हैं, मगर बुद्धि के पास बहुत आर्ग्यूमेंट है, कैसे वो दोषी थे, कैसे उसने बिगाड़ दिया, कैसे उसको सीधा करना चाहिए, हमें इतना नुकसान करता है, हमेशा तकलीफ करता है। बुद्धि बहुत प्रूफ देगी किस तरह वो दोषी है। तो हमें 5 आज्ञा से सिद्ध करना है कैसे वो निर्दोष है। व्यवस्थित करता प्रकृति जुदी, शुद्धात्मा जुदा, प्रकृति का भरा हुआ माल निकलता है, और 5-1 का हिसाब है, उतना ही होगा। जितना गुनाह किया है उतना दंड आएगा, तो हम संभाव से निकाल करते जाएंगे तो मुक्त होते जाएंगे। पर हमारे पास ज्ञान की समझ इतनी होनी चाहिए हमें समाधान प्राप्त हो सके। कोई भी परिस्थिति में कैसे भी फाइल आई, कैसे भी प्रॉब्लम आए, कैसे भी हरकतें आई, समाधान मिले, ऐसा पुरुषार्थ हमें समझ से लाना है। सत्संग के द्वारा, सामायिक के द्वारा, पर समझ मिलेगी तो हम सॉल्यूशन ला सकेंगे। सॉल्यूशन से आज्ञा भी सिद्ध होते जाएगी और अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे। चिकनी फाइल है वहाँ दुख आते रहता है, वहाँ हम आज्ञा सेट कर सकते हैं। पर मीठी फाइल है, राग वाली, मोह अपेक्षा वाली फाइल है, वहाँ भी संभाव से निकाल करना है। धीरे धीरे वो भी पुरुषार्थ से हम राग वाली फाइल में भी वितराग रह सके, वहाँ तक 5 आज्ञा से पहुँचना है। और ये ध्येय लक्ष्य में रखेंगे तो ज़रूर धीरे धीरे पहुँचेंगे। और 5 आज्ञा पुरुषार्थ करना हो, व्यवस्थित के अधीन नहीं है, वो हमारा पुरुषार्थ है। प्रकृति का दीपक का पार्ट नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ उसका पुरुषार्थ है। अब अंतरात्मा दशा में पहुँचे हैं, जितनी 5 आज्ञा में रहेंगे उतनी परमात्मा दशा तक पहुँचेंगे। यानी आज्ञा से ही पूर्णा होती होगी। पहले जीवात्मा दशा थी, अज्ञान दशा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वो छूटे। अभी अंतरात्मा दशा हुई, मैं शुद्धात्मा हूँ, दीपक जुदा है, पर प्रतीति बैठी, थोड़ी थोड़ी जागृति आई, थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ। 2% अनुभव होता है, 15% जागृति होती है, 100% प्रतीति बैठती है। अभी जागृति बढ़ाएंगे, दोष निकलते जाएंगे, दोष को हम ज्ञान में रह के निकाल किया उतने अंश अनुभव के बढ़ेंगे, आत्मशक्ति बढ़ेगी। वो पुरुषार्थ अभी हमारा शुरू हुआ, कृपा से ही शुद्धात्मा की प्रतीति बैठ गई, अनुभव लक्ष्य शुरू हो गए। अभी बढ़ाना है, बढ़ाना वहाँ तक बढ़ाना है कि निरंतर, जो दादाजी ने एक बार बताया, जब से ज्ञान हुआ तब से आज तक एक भी जीव को शुद्धात्मा स्वरूप से देखे बिना गया नहीं। किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा सुना, किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो दादाजी वो व्यक्ति को भी आत्मा रूप देख लेते हैं। निरुमा 24 घंटे सेवा में थी दादाजी की, दादाजी बताते हैं कि एक क्षण भी आपको, आपके भीतर मैंने शुद्धात्मा नहीं देखा, ऐसा नहीं हुआ, निरंतर आत्मा रूप से आपको देखते हैं। हमें वही मिला है, सिर्फ डिस्चार्ज कर्म दखल करते हैं,
उस संभाव से निकाल करते जाएंगे तो यही आत्मदशा हम निरंतर पहुंच सकेंगे। ये दोष बाकी है, डिस्चार्ज कर्म बाकी है, ब्लंडर टूट गए, मूल जुदापन की जागृति शुरू हो गई। अभी कचरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अहंकार, ममता भी अज्ञानता से भरा हुआ प्राकृतिक रोग है, वो कचरा साफ करना है ज्ञान जागृति से। और वो पुरुषार्थ खुला है, वो प्रकृति का पुरुषार्थ नहीं है, ये अस्तित्व के आधे नहीं, और हमारा निश्चय बल चाहिए कि मुझे आज्ञा में रहना है और निरंतर आज्ञा में रहना है, एक क्षण भी आज्ञा के सिवाय अजागृति में नहीं रहना। हमारा निश्चय है, जितना निश्चय मजबूत उतनी जागृति बढ़ेगी, उतने आज्ञा पालन करने की शक्ति बढ़ेगी। दादाजी तो वहाँ तक बताते हैं कि हमारी कोई चिकनी फाइल है उसके साथ व्यवहार में अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर भी आप अपना पॉइंट दबा के रखो, स्विच पॉइंटर, कि मुझे ये फाइल का संभाव से निकाल करना है। वो मोमेंट में नहीं हुआ तो भी हमारा भाव क्या था, निश्चय क्या था, तो कि संभाव से निकाल करना है। व्यवहार में नहीं हुआ तो हरकत नहीं, एक दिन, दो दिन, छः महीने, बारह महीने, पर एक दिन हम जीतेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज कर्म पूरे होते जाएंगे, भीतर में भाव जागृति है, निरंतर आज्ञा में रहना, फाइल का संभाव से निकाल करना है। धीरे धीरे वो भाव फल देगा, फाइल पूरी होगी, संभाव से निकाल होके हम मुक्त होएंगे। तो तरीका यह है, निश्चय अपना जागृत रखना है। ये पांच आज्ञा कॉजेज भाग सुधार रही है। एक भाई बोलते थे दादाजी को, दादा डिस्चार्ज कर्म जल्दी ख़त्म हो जाए तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। तो ये जल्दी ख़त्म करना वो गुनाह है, तुम आज्ञा में रहो, क्योंकि आज्ञा कॉजेज सुधारेगी, उसका फल सिमंदर स्वामी का शरण में पहुँचेंगे। आज्ञा के फल स्वरूप, आज्ञा यानी एक अवतार के जो कॉजेज है वो ऐसे है कि संसार छूटते जाएगा, सिमंदर स्वामी का शरण मिलेगा। तो पांच आज्ञा ही पुरुषार्थ है, उसका फल ही संसार से मुक्ति मिलेगी, और वो भी भाव जागृति का है, क्रिया नहीं है। समझ में रहना चाहिए कि ये क्यों बिगड़ गया, तो संजोग की वजह से, कोई दोषित नहीं है, ये समझ रखनी है। अच्छा हो गया तक मैंने किया, तक नहीं आपने नहीं किया, भीतर में अहंकार बोलेगा मैंने कितना अच्छा किया, तक नहीं यू आर नॉट डूअर, आप एक एविडेंस हो, कितने सारे एविडेंस मिलके हुआ, और कॉजेस आप लेके आए थे तो इफेक्ट आई है, इसमें किसका, आपका क्या पुरुषार्थ, आप संजो, आप निमित हो, और शुद्धात्मा ने किया नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, और तूने भी नहीं किया, संजोग मिलके कार्य होता है। तो भीतर यही जागृति रखनी है, व्यवस्थित ही आज्ञा, संभाव से निकाल करने की आज्ञा, रिलेटिव रियल की आज्ञा, इतनी आज्ञा में हम रहते जाएंगे उतना संसार छूटते जाएगा, कर्म नए बनेंगे नहीं, डिस्चार्ज कर्म पूरे होते गए तो अनुभव की कक्षा बढ़ते जाएंगे। जेब कट गई, 2000 गए, तो पहले थियोरिटिकल सुना था कि नहीं व्यवस्थित है, मैं शुद्धात्मा हूँ, हिसाब निर्दोष निमित्त, प्रैक्टिकली होना चाहिए, और थ्योरिटिकल समझ बोला जाता है, प्रैक्टिकल को अनुभव बोला जाता है। हर एक बाबत अनुभव में आई वहाँ तक हमें पहुँचना है। कोई अपमान किया तो बस ये दीपक का होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निमित्त को निर्दोष देखना है, वो थ्योरिटिकल बात समझ में आई। सत्संग से थ्योरिटिकल बात समझ में आती है, और व्यवहार में टकराव आ गया, किसी ने अपमान किया, उस टाइम पे ज्ञान का सेटिंग किया, अग्नि निमित्त है, चंदू जुदा, वो शुद्धात्मा, दीपक जुदा, मैं शुद्धात्मा, चंदू दीपक को बोलता है, हिसाब पूरा हुआ, निर्दोष दिखाई दिया 100%, हम जीत गए, एक फाइल, एक आवरण टूटा, एक लेयर गम कम हुआ, इतना अहंकार
डिजोल्व हो जाएगा, उतनी आत्मशक्ति प्रकट होते जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल तक पहुंचना है आज्ञा से। थियोरेटिकल समझ में आता है, अनुभव में आने के लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। और कोई भी संजोग आते हैं तो संजोग कम ये कभी जाएगा, द्वेष हो जाता है, मिल गया तो अच्छा है, राग होता है। तो संजोग के प्रति राग द्वेष हो जाए, ऐसे डिस्चार्ज कर्म आएंगे। भीतर से संभव रखना है कि नहीं, ये संयोग है, योगी स्वभाव क्या है, इसके प्रति पसंद है ना पसंद है, अच्छा है बुरा है, काम का है निकम का है, द्वंद्व भाव नहीं रखना है। फाइल है संभाव से निकाल करना, इतनी ही जागृति रखनी है। ऐसे एक एक संजोग को संभाव से निकाल करना है। और संजोग खुद ही योगी स्वभाव वाले एक दिन संयोग अपने आप फल देके चले जाने वाला है। हमें संभाव पकड़ के रखना है और उसका फल वितरागता आएगी, मुक्ति होगी। कॉजेस किए थे उसके आधार से इफेक्ट आने के लिए संजोग इकट्ठा होता है। जो परमाणु चार्ज हुए थे वो चार्ज परमाणु अभी संजोग को खींच लाते हैं, तो परमाणु डिस्चार्ज होएंगे, हमें इफेक्ट आएगी, इफेक्ट पूरी हो गई, संजोग अपने आप डिस्पर्स हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये कॉजेस के इफेक्ट आने के लिए संजोग मिलते हैं। संजोग योगी स्वभाव वाले हैं, तो हमारे लक्ष्य में रहना चाहिए कि ये इफेक्ट आने के लिए ये संजोग हुए, निमित्त का दोष नहीं है, हमारे कॉजेस की इफेक्ट आई, निमित्त निर्दोष है। ऐसे हर एक परिस्थिति में ज्ञान का सेटिंग करके निर्दोष देखना, शुद्धात्मा देखना, व्यवस्थित करता सेटिंग करना, उसी से ही हमारे मोक्ष की प्रगति तक हम पहुंच सकते हैं। सबको समझ में आता है ना, किसी ने 5 आज्ञा का उपयोग करके व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे तो ज़रूर आप अपना अनुभव बताइए, लोगों को भी काम आएगा और प्रैक्टिकल बात लोगों को भी समझ में आएगी कि इस प्रकार हम 5 आज्ञा अप्लाई करनी है।